दोस्तों, आज हम आपको एक खूबसूरत गांव झंडवाल की सैर कराते हैं। मानसेरा के मशहूर कस्बा शनक्यारी से एक रास्ता दाएं तरफ कुंड बंगला के दामन को जाता है। यही रास्ता झंडवाल और झंडवाल गली तक पहुंचता है। यहां से आगे रास्ता ना होने से सिर्फ पैदल चलने वाले लोग या तो कुंड बंगला की तरफ जाते हैं या मैसर बाबा की ज्यारत की तरफ जाते हैं या फिर कैमरी की मशहूर ज्यारत की तरफ निकल जाते हैं। झंडवाल का खूबसूरत गांव छोटे छोटे टेरेसेस पर मुश्तमिल है। यहाँ मौसम गर्मा में चावल की काश्त की जाती है। पानी चूंकि वाफर मकदार में है तो इसलिए चावलों के लिए ये ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। शाम के वक्त चावलों की ये खेत एक खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। आज हमने चंद दोस्तों के साथ एक खूबसूरत गांव की सैर का प्रोग्राम बनाया। शनक्यारी गांव से झंडवाल का रास्ता तकरीबन 12 किलोमीटर बन जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं। खेती बाड़ी के लिए अभी भी पुराने तरीके ही इस्तेमाल किए जाते हैं। झंडवाल से झंडवाल गली का रास्ता कदरे मुश्किल है। समाजी तंजीम साहिबान ने KNH, ऑक्सफैम और जापान एम्बेसी के तावन से यहाँ के रास्ते को काफ़ी हद तक पुख्ता किया है। हमारे मेज़बान नाज़िम ग़ुलाम जिलानी साहब ने हमारे लिए खाने का बंदोबस्त भी कर रखा था और हमारी बैठने के लिए बाहर एक खूबसूरत जगह पर इंतज़ाम किया हुआ था। चूंकि ये जगह काफ़ी ऊंचाई पे है तो हमें साया वाली जगह पर काफ़ी ठंडक महसूस हो रही थी। खाने के मौके पर रवायती तरीके से हमारे हाथ धुलाए गए। रवायती खानों कढ़ी, साग, मक्खन, मकई की रोटी, लस्सी, चटनी और सलाद से हमारी तवाज़ो की गई। लकड़ी के तंदूर पर पकी हुई गंदम और मकई की रोटी बहुत ही लजीज थी। लस्सी से बनी हुई रवायती कड़ी को मकई की रोटी के साथ कूट कर खाया जाता है और उसमें मक्खन भी डाला जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा लजीज हो जाती है। इस रवायती खाने का
कोई नेमुल बदल नहीं है। खाना खाने के बाद हम अपने मेज़बानों के साथ कैमरी की तरफ रवाना हुए और रास्ते में एक खूबसूरत सी जगह पर थोड़ी देर कयाम किया। कुछ वक्त के बाद हम कैमरी की ज़ियारत तक पहुंच गए। यहाँ पर मानसेरा की मशहूर समाजी शख्सियत और शैलिया से तलक रखने वाले साहब खान ने हमें खुश आमदीद कहा। कैमरी में कुछ देर रुकने के बाद हमने वापस जंडवाल गली की तरफ सफ़र अख्तियार किया। जंडवाल गली से होते हुए हम वापस मानसेरा की तरफ रवाना हुए। यूं हमारा एक खूबसूरत दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।